तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? हमारी आज की मॉर्निंग राइड हो चुकी है स्टार्ट, और टाइटल देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो सच में इतनी सुंदर है या नहीं। आज संडे का दिन है तो सभी लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। वाओ, लगता है आज बहुत सारे लोग राइड्स पर निकले हुए हैं। आई कैन सी सो मैनी साइकिलिस्ट, आई कैन सी सो मैनी बाइकर्स। आई थिंक इट इज़ रियली गोइंग टू बी अ गुड राइड टुडे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सूरज निकल चुका है। बारिश आने की आज कोई मुझे संभावना नहीं लगती। मुझे पता है वापसी के टाइम पर मौसम में बहुत गर्मी आ जाने वाली है, लेकिन जो अच्छी चीज़ हमारे साथ होने वाली है कि इस तरीके का मौसम जब सूरज थोड़ा सा निकला हुआ हो, फोटोज़ और वीडियोज़ खींचने के लिए बहुत ही सही रहता है। और अगर बारिश होती तो शायद मुझे आज की अपनी राइड कैंसिल करनी पड़ती, क्योंकि जहाँ पर मैं आज जा रहा हूँ वो पहले से ही बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है। गूगल माता ने हमें यहाँ से यू टर्न लेने का आदेश दिया है, तो चलिए यू टर्न ले लेते हैं। और यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट, और गूगल माता ने इस रोड पर हमें 24 किलोमीटर स्ट्रेट चलने का आदेश दिया है। तो चलिए मेरे साथ आप भी इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं, और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो सही रास्ता था वो अब थोड़ी देर में ख़राब होने वाला है। मतलब ख़राब रास्ता अब यहां से शुरू होने वाला है। तो हमारी ऑफ रोडिंग फाइनली यहां से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफ रोडिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो अपने बाइकिंग गियर्स के साथ ही आएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना ख़राब है और पत्थर यहाँ के काफ़ी नोकीले हैं। तो एक बार भी आप गिरते हैं तो आपको अच्छी खासी चोट लग सकती है। Thank you.
दोस्तों मैंने जितना वीडियोस में देखा है रास्ता, उससे कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो यहाँ पर हम अपने भाई को धीरे धीरे उतारेंगे, क्योंकि एक भी गलती तो यहाँ पर मैं बाइक को चला नहीं रहा, ये अपने आप ही चल रही है। ये लेक सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सच में आप इस प्लेस को मिनी लद्दाख कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफ रोडिंग है वो इतनी आसान नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी बाइक मेरे पीछे खड़ी है। मैंने अपने सारे राइडिंग गेयर्स उतार दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और आज दिन है संडे का। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरे साथ साथ बहुत सारे राइडर्स आए हुए हैं और बहुत सारे आकर यहाँ पर चले गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस लोकेशन पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आने के लिए बाइक से आना प्रेफर करें, यहाँ पर अपनी कार लेकर ना आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कार लेकर आते हैं तो क्या होता है, आपको अपनी कार बहुत दूर पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कार लाने के लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर्स प्लेस है, मतलब एडवेंचर यहाँ पर आकर आप कर सकते हैं अपनी बाइक से। तो आप अपनी बाइक से आएँ, और यहाँ का जो रास्ता है पूरा ऑफ रोडिंग में गिना जाता है, मतलब इट्स अ प्योर ऑफ रोडिंग यू विल डू ओवर हेयर। तो जब भी आप अपनी बाइक से आएँ तो ख़ासतौर से ध्यान रखें कि अगर आपको आना है तो मोस्टली यहाँ पर संडे के दिन आएँ, क्योंकि संडे के दिन क्या रहता है, यहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स अवेलेबल रहते हैं। ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है ना कि यहाँ पर आपको एक तरीके से पूरा नेचर देखने को मिलता है। तो आपके लिए ये लोकेशन आपकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, या कुछ लोग वेडिंग फ़ोटोग्राफी या प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए जो देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोस्तों इट्स बीन ऑलमोस्ट एन आवर मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पर कुछ बाइकर से मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक घंटा हो चुका है लेकिन मेरे यहाँ से जाने के लिए मन नहीं कर रहा है, गर्मी बहुत हो चुकी है, तो इस वजह से शायद मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा पानी का लुत्फ उठाते हैं और देखते हैं यहाँ का पानी कैसा है। तैरना मेरे को नहीं आता तो मैं पानी के ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, बस साइड साइड में ही रहूँगा, केवल थोड़ा सा पानी के अंदर जाके देखते हैं कि वो पानी कैसा लगता है। फाइनली आई एम बैक ऑन माई बाइक, और ना चाहते हुए भी मेरा इस प्लेस को अलविदा कहने का समय आ चुका है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रुकना चाहता था लेकिन गर्मी इतनी है यहाँ पर कि आप चाहकर भी बहुत ज़्यादा नहीं रुक सकते। एन्जॉय के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ कि इस एरिया में आप जब भी आएँ तो मेक श्योर अपनी पानी की बोतल, या फिर आपको अगर ज़्यादा भूख लगती है तो खाने का सामान अपना साथ ही लेकर आएं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, और थोड़ी देर इस प्लेस पर रहने के बाद इतनी गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने ही लगती है। तो मुझे भी करंटली बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द वाटर बॉटल। आपने जो पिछला रास्ता देखा था जहाँ से मैं आया था, आने का और जाने का रास्ता अलग है,
चाहने को तो आप उस रास्ते पे भी जा सकते हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप देख लीजिए, मैं अभी फ़िलहाल GoPro यूज़ कर रहा हूँ, इसमें स्टेबलाइजेशन की वजह से आपको सही से इस रास्ते के एडवेंचर्स होने का पता नहीं लग पाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि सच में ये रास्ता कितना एडवेंचर्स है। ये बहुत ख़तरनाक ढाल, यहाँ पर कई बार तो बाइक में ब्रेक लगाना भी मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत ही आराम आराम से यहाँ से अपनी बाइक को उतार रहा हूँ, बिकॉज़ ज़रा सी भी स्पीड इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगाना काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है। ओ वाओ, फाइनली थोड़ा पक्का रास्ता यहाँ पर आ चुका है एंड मुझे लोग बाग भी दिखने चालू हो चुके हैं, सो आई थिंक आई एम एट द राइट प्लेस। आई होप आपको मेरी आज की राइड और आज का ये प्लेस पानीकोट लेक काफ़ी पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड कीप वॉचिंग चश्मे बद्दूर ब्लॉग्स। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।